मेरी खाली नंबर लिस्ट ये है। हाँ मैं क्यों जाऊँ, ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। 41 नंबर की हाईकोर्ट स्टे है, तुम क्या छेड़खानी कर रहे हो? और ललित कुमार त्यागी जी खड़े हैं साथ में, सब चार दिन के यही कर रहे हैं। 48 नंबर की हाईकोर्ट की स्टे, उसके बाद छेड़खानी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में अवैध फड़ी के मकड़जाल से नगर निगम काफी समय से आलोचना का शिकार हो रहा था। इसी अवैध फड़ियों के मुद्दे पर चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान ने विजिलेंस की जांच की मांग कर डाली और बकायदा प्रशासन के एडवाइजर को लिखित शिकायत दे डाली। निगम ने भी आनन फानन में तुरंत कई फैसले ले डाले, लेकिन अभी हाल ही में हुई एक एंटी एंक्रोचमेंट विंग की एक ड्राइव शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बात है सेक्टर 22 के वेंडिंग जोन के, जहाँ एंटी एंक्रोचमेंट विंग जिसमें दर्जन भर बेलदार, चार इंस्पेक्टर और एक पुलिस का दस्ता सुबह 3:30 बजे वेंडिंग जोन पहुंचता है। बड़ी हैरानी की बात है, उसी समय कुछ वेंडर्स भी मौके पर पहुंच जाते हैं। निगम कर्मी जिस सामान से वेंडर्स ने अपने अड्डे परमानेंट तौर पर बनाए हुए थे, उनकी तिरपाल, टेबल्स और फ्रेम्स व हैंगर्स उठाकर ले गए। अच्छी बात है, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा है, लेकिन इस सारे मामले में दो पॉइंट बड़े अहम हैं, बड़े गंभीर हैं। नंबर एक, ऐसी क्या मजबूरी थी नगर निगम की जो सुबह 3:30 बजे कार्यवाही करनी पड़ती है? क्या प्रशासन इतना पंगू और इतना कमजोर हो गया है जो वेंडर्स के डर से चोरी छिपे कार्यवाही करता है? दूसरा अहम सवाल यह है कि कौन है जो निगम की अहम ड्राइव की सूचना वेंडर्स तक पहुंचा रहा है? क्यों ड्राइव के वक्त वेंडर्स भी सेक्टर 22 के वेंडिंग जोन में पहुंच चुके थे और निगम की कार्यवाही का विरोध कर रहे थे? ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।